तो सरकार किसका ध्यान नहीं है, सिर्फ वोट दो वोट दो वोट दो, पैसा पब्लिक का लूट जाता है, जेब में रख लेता, कहता काम हो गया, कोई काम नहीं हुआ, यह चौवन्नी का भी काम नहीं होता है। कहेगा हो गया, बिल बना दिया ठेकेदार को, इंजीनियर को, SDO को दे दिया रुपया, कहेगा तो अपने बाल बचाएगा, खिलाओ जो मरता है मरने। यहाँ कोई नहीं देखभाल करता है ठेकेदार, और यहाँ का लूट का रुपया ले जा रहा है। अभी भी बोरा ससर गया है नीचा, कखन टूटेगा कोई ठिकाना नहीं है। बार बार बोरा जो है खिसक जाता है, अभी भी देख सकते हैं आप, यहाँ बोरा जो है उस पर बोरा का छोड़ दिया गया। अगर बारिश हो जाए तो सारा बोरा जो है नदी की तरफ भाग जाएगा। अब नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम पहुंचे हैं RS और केतनिया के बीच में पिपरा घाट में, जो कि झंझारपुर में स्थित है। हम यहां पर कमला के तट पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं, कमला जहां पर एक तरह हम लोगों के लिए वरदान है, वहीं पर कहीं ना कहीं अभिशाप भी है। वरदान इसको लेकर है कि यहाँ पर जो भी खेती होती है उसका मुख्य आधार ये नदी है, और इसी नदी से ही जल जाता है, जिससे कि यहाँ पर दूर दूर खेती होती है। वहीं दूसरी तरफ तौर पर हर बाढ़ में और हर वर्षा के सीजन में ये देखना एक साधारण बात है, जगह जगह आपको कमला तटबंध पर इस तरह के बोरे मिल जाएंगे, जिसमें रेत भर के यहाँ पर रखा जाता है और हर साल एक भारी भरकम बिल बनाया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे पानी पूरी तरह से हिलोरे मार रहा है, और ये बनोर के बाद यानी कमला तटबंध में झंझारपुर प्रखंड के बनोर के बाद यही वो जगह है जहां पर जल नदी डायरेक्ट टकराती है, और यहां पर एक टर्निंग है जिसको लेकर हमेशा यहां पे खतरा बना रहता है। हालांकि यहां के लोग इस चीज को लेकर काफी आदी हो चुके हैं, फिर भी हम यहां के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं फिर से नए कट्टे डाले जा रहे हैं, और हम आपको बता दें हालांकि कमला तटबंध बन चुका है और पक्का पक्कीकरण हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद साल दर साल हर साल इस तरह के कट्टे भरे जाते हैं। यह है आपका WRD बिहार FM 2022, हर साल भरा जाता है, लाखों का बिल बनाया जाता है, और फिर परिणाम वैसा का वैसा ही रहता है। आप देख सकते हैं पानी की धारा काफी तेज है, यहाँ के लोग भी काफी भय में बने रहते हैं। हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करें जाते हैं, क्या लगता है हर साल बोरा भरा जाता है, हर साल करोड़ों रुपया लूट कर ले जाता है, और कुछ नहीं काम होता, चाराना भी काम नहीं होता यहाँ पर। हर साल खतरे रहता है, हर साल भये रहता है, हर साल डर रहता है। जगह विवेक छड़ खिसक गया है, बोरा सब खिसक गया, कोर छोड़ दिया है, ये कब टूटेगा किस कौन छूटेगा, कल पानी ही आ गया, डर बढ़ गया है, भर भय हो गया है। तो सरकार किसका ध्यान नहीं है, सिर्फ वोट दो वोट दो वोट दो, पैसा पब्लिक का लूट जाता है, जेब में रख लेता, कहता काम हो गया, कोई काम नहीं हुआ, यह चौवन्नी का भी काम नहीं होता है। एक अगर छोटा स्पोर यहाँ दे दिया जाता खतरा खत्म हो जाएगा, स्पोर नहीं देता, खाली बोरा भरता करोड़ों रुपया लूट कर ले जाता है, रात का फोटो लेगा, इतना पानी भयंकर दिखाई देता, कहता बांध टूट गया, पैसा जल्दी भेजो, पैसा सिर्फ पैसा लो, अल्लाह का भाग गया बस, और कुछ नहीं यहाँ पर क्या है, तो भय बना रहता है। देख सकते हैं स्थानीय नागरिक है, इनका कहना है कि यहाँ पर डर का माहौल बना रहता है, हालांकि कमला तटबंध को बनाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के ग्रामीणों को लगातार टूटने का डर बना रहता है। हालांकि जल स्तर काफी बिल बनता है यहाँ पर, खाली बोरा भरता है, लाखों का बिल बना का अपना चला जाता है, यहाँ कोई नहीं देखभाल करता है ठेकेदार, और यहाँ का लूट का रुपया ले जा रहा है सब। अभी भी बोरा ससर गया है नीचा, कखन टूटेगा कोई ठिकाना नहीं है। जे काम यहाँ पर होता है, एक स्पोर यहाँ पर पड़ जाए तो बांध पानी उधर हो जाएगा, मगर नहीं होता है। क्या क्या कहना चाहिए, क्या नाम है अपना? मोहम्मद कलीम। क्या लगता है आपको, क्या काम यहाँ पर होना? यहाँ हर साल जो है खतरा जो है बना ही रहता है, और यहाँ जो काम होनी चाहिए वो काम यहाँ हो पा नहीं रहा है, और यहाँ बार बार जो है बोरा देता है, बार बार बोरा जो है घिसक जाता है। अभी भी देख सकते हैं आप, यहाँ बोरा जो है इस पर बोरा का छोड़ दिया गया है। अगर बारिश हो जाए तो सारा बोरा जो है नदी की तरफ भाग जाएगा। भाग रहा है, अभी भी नदी में भाग रहा है, बोरा सब कोर छोड़ दिया है, कखनी खतरा होगा कोई ठिकाना नहीं।
स्कोर स्कोर क्या कहना चाहते हैं? स्कोर क्या होता है? क्या स्कोर क्या होता है? स्कोर बॉन्ड होता है, रिंग बॉन्ड होता है, रिंग बॉन्ड होता है। हाँ, 50 फीट डाल दे, खतरा खत्म। देखिए इधर खाली जगह, यहाँ भी टूट गया है, इसको भी कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ पैसा लेने आएगा बस। तो स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे स्कोर बांध होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर एक परमानेंट इलाज हो सके। आमतौर पे यहाँ आज इस समय जो है, हालांकि ये जगह जो है लगातार यहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती है। ग्रामीणों की मांग है, हर साल यहाँ पर कट्टे भरे जाते हैं, इसलिए हम भी यहाँ पहुंचे हैं। वर्षा का सीजन लगातार चालू है, मानसून आ चुका है और कोसी पूरे वेग पे है। लगातार कमला बलान का जल स्तर बढ़ रहा है और यहाँ के लोगों की चिंताएं भी लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर लगातार मांग हो रही है। स्कोर जो बांध होता है, इसकी मांग लगातार यहाँ पर की जा रही है। कटकर को पानी में चला गया है, यहाँ पानी देकर कोई बोरा देकर को दे दिया है, ठक ठक को सरकार को पैसा खाता है, किसी को कोई कुछ नहीं करता है। अब पैसा ठक कर कर को यहाँ तो ठेकेदार सब लेकर को चला जाता है। अब फुस यही के लिख देता है कि जब 10,000 करोड़ बोरा भर कर को हम दिल्ली बना दिए, नहीं टूटेगा। यहाँ को पब्लिक बाप बाप करता है, उसको कोई चिंते नहीं है। की नाम भेल अपन? हमर नाम भेल कुशे ठाकुर। और हम लोग यहाँ पर रहते हैं, नहीं रक्षा करेंगे तो वो भी टूट जाएगा, हम लोग भी भसिया कर को मर जाएंगे। सरकार हम लोग को क्या देगा? दो ठो बिस्कुट देगा और कहेगा जो चलो भाई हम प्लेन से चला आया, हेलीकॉप्टर से हम लोग को चूड़ा बादाम दे देगा और कहेगा जो जो हो गया और बिल बना दिया ठेकेदार को, इंजीनियर को, एसडीओ को दे दिया रुपया, कहेगा तो अपने बाल बच्चा का खिलाओ जो मरता है। पर पहुंचे थे झंझारपुर केथनिया गुमती के नजदीक पिपरा घाट में, जहां पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और लगातार एक भय का माहौल बन रहा है। हम यहां पर पहुंचे, हमने यहां की जानकारी दी, स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन, जल संसाधन विभाग से जुड़ा व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है तो निश्चित रूप से यहां के लोगों के लिए एक परमानेंट, किसी तरह से परमानेंट एक उपाय होना चाहिए, ताकि यहां के लोग भी निश्चिंत से अपने घरों में अपने बाल बच्चे के साथ सो सके। फिर मिलेंगे इस तरह के वीडियो के साथ। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रतिक्रिया जरूर दें, आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कमेंट से एक आवाज उठ सकती है जो कि इन लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।